उज टाइम्स नो एक हज़ार नौ बार नहीं हेलो फ्रेंड्स दिस इज संजीव जैन तो ये कहानी एक बूढ़े आदमी के बारे में है पैंसठ साल का सिक्सटी फाइव ईयर ओल्ड बूढ़ा आदमी था और वो बिल्कुल ब्रोक था उसके पास कोई पैसे नहीं थे और बस एक उसके बाद एक पुरानी बीटअप सी गाड़ी थी और वो जो है इस टाइम पे सोशल सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट था हर महीने उसको जो है एक नाइनटी नाइन डॉलर का एक सिक्योरिटी का चेक आता था उसी से वो किसी तरह से अपनी गाड़ी चला रहा था तो सिक्सटी फाइव ईयर्स की एज के बाद उसने सोचा कि अब एक टाइम आ गया है कि ऐसे में और नहीं रहना चाहता और मैं कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या बदलाव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एकदम टर्न अराउंड करने के लिए तो उसने बहुत ध्यान लगाया तो उसको ये ध्यान आया कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी जो खाने की रेसिपी है उसका बहुत तारीफ़ करते हैं उन्होंने है। कहा हाँ यही एक सही तरीका मुझे दिखता है अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करने का तो उसने कहा दिस इज़ द बेस्ट शॉट एट मेकिंग दिस चेंज तो उसने जो अपना शहर है कैंटकी उसको छोड़ करके उसने जो है दूसरी स्टेट्स में जा कर के कोशिश करी कि उसके खाने की जो रेसिपी है उसको मैं बेचूं ठीक है उसने बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को जो है अपनी जो रेसिपी दिखाई अपना टेस्ट भी कराया बट उसे किसी जगह पे सफलता नहीं मिली उसने इवन यहाँ तक भी ऑफर किया कि आप ये जो रेसिपी है मुझसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए और सिंपली जो आप खाना बेचोगे उस पर मुझे एक छोटा सा परसेंटेज दे दीजिएगा मुझे अपफ्रंट कुछ भी नहीं चाहिए तो दिस साउंड लाइक अ गुड डील बट नन ऑफ द रेस्टोरेंट वर इंटरेस्टेड एंड दे सेड नो तो उन्होंने हज़ार बार से ज़्यादा नो सुना इनफैक्ट एक हज़ार नौ बार उनकी जो रेसिपी को उनकी ऑफर को रिजेक्ट किया गया और आज जो है उस आदमी को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कर्नल हार्टलैंड सैंडर्स हुए पीपल ईट चिकन एंड दिस इज कैंटकी फ्राइड चिकन ओनर ऑफ कैंटकी फ्राइड के एफ सी एंड इज हाउ के एफ सी वॉज बॉन्ड तो गाइज ये आप देख रहे हैं कि एक हजार नौ बार रिजेक्शन उन्होंने uh, जो है एक्सेप्ट uh, uh, किया और हारे नहीं और अपने उसमें लगे रहे ट्राई करते रहे एंड टूडे यू नो ही इज अ कॉमन हाउस होल्ड नेम

तो क्या टिश्यू पेपर में भी कुछ इनोवेशन हुआ है एंड आई लाइक टू शेयर दिस विद यू तो ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक टिश्यू पेपर है जो कि अवेलेबल है अमेजोन पर इसका नाम है सी चॉइस थ्री प्लाई फेशियल टिश्यू तो ये आप देखेंगे कि इसमें इसके नाइन्टी पोल्स का है जो टेन पैकेट्स हैं केवल अराउंड टू नाइन्टी थ्री रुपीज के हैं तो दिस इज क्वाइट चीप बट द गुड थिंग इज दैट कि ये बहुत छोटे हैं तो दे आर ऑलमोस्ट लेस देन हाफ द साइज ऑफ अ नॉर्मल टिश्यू क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए हम टिश्यू ले लेते हैं और इतना बड़ा टिश्यू पेपर हमें चाहिए नहीं होता तो ये एक और इसकी खासियत है क्योंकि ये जो टिश्यू पेपर है ये बहुत छोटा होने के कारण से ये जगह भी बहुत कम लेता है तो आपकी टेबल पर भी ये बहुत कम जगह लेगा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इको फ्रेंडली भी है क्योंकि हर बार जब आप टिश्यू पेपर को यूज कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी एक्चुअली वेस्टिंग सो मच पेपर यू विल बी वेस्टिंग लेस दैन हाफ द पेपर दैट यू नॉर्मली वेस्ट इन अ रेगुलर टिश्यू पेपर तो गैस इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेना ना भूलें नहीं तो आप नेट पर भी चर, आ, सर्च कर सकते हैं सी चॉइस थ्री प्लाई फेशियल टिश्यू दिस इज ऑन एमेजॉन एंड डू मेक अ मोर इको फ्रेंडली चॉइस सो दिस इज संजीव जैन फ्रॉम टी एन एस एंड सी आई टी वर्क साइनिंग ऑफ एंड लुक फॉट सींग यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी